दोहरे हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे 25,000 का इनाम या गिरफ्तार। दो वर्ष पूर्व हत्यारों ने दिया था दोहरे हत्याकांड की घटना को अंजाम। सहावर थाना क्षेत्र के नगला माधो गांव का मामला, आरोपी दो वर्ष से चल रहा था फरार। एसपी कासगंज ने फरार आरोपी पर किया 25,000 का इनाम घोषित। एसपी ने गिरफ्तारी के लिए किया था पुलिस की तीन टीमों का गठन। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे के मुताबिक जनपद के थाना सहावर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नगला माधो में 19 अक्टूबर 2019 को संपत्ति विवाद के चलते एक दूसरे पक्षों ने इन दोनों भाइयों की हत्या कर दी थी। मृतक बड़े भाई राजवीर की हत्या छोटे भाई के ससुर प्रेमपाल पुत्र सक्टू निवासी लखीमपुर थाना सहावर द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी, जबकि इलाका पुलिस ने अभियुक्त प्रेमपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं बबलू पुत्र नेक्सू निवासी मानपुर नगरिया थाना सोरो हत्या के बाद से अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था तथा अपने आप को छिपाने के उद्देश्य से पहचान छिपाकर स्थान बदल बदल कर रह रहा था। आज पुलिस ने सोरो रोड जमालपुर पुलिया से वांछित उपरोक्त को जमालपुर पुलिया गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। गठित टीम द्वारा पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारते हुए बताया गया कि उसके बहनोई राजवीर की हत्या उसके छोटे भाई कैलाश एवं उसके ससुर प्रेमपाल द्वारा की गई थी। जैसे ही उसे सूचना प्राप्त हुई तो वो तमंचा लेकर अपने बहनोई के गाँव आया और उसका छोटा भाई कैलाश जो खेत पर मिला वहाँ उसे गोली मार दी। तमंचे को वहीं खेतों में फेंक दिया था तथा अपने आप को छिपाते छिपाते इधर उधर पंजाब हरियाणा उत्तराखंड में छिप कर रह रहा था। आज अपने परिवार से मिलने आया था तभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त की तलाशी के दौरान कब्जे से एक तमंचा 315 बोर में तीन जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गए, जिसके संबंध में थाना सहावर पर अभियोग संख्या 314/21 धारा 3/25 अंक एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया जा रहा है। लगातार पिछले ना कुछ महीनों से वांछित अपराधी बीडब्ल्यू और पुरस्कार घोषित अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ की कार्रवाई एसओजी टीम और थाने में टीम जो गठित की उनके द्वारा की जा रही है। एक मुकदमा जो पंजीकृत हुआ था थाना सहावर में, जिसमें क्रॉस में मुकदमा था, दोनों का अनुपक्ष से एक एक व्यक्ति का मर्डर उस समय पे हुआ था। ये गांव नगला माधो जो कि सहावर थाना क्षेत्र में पड़ता है वहां का ये प्रकरण है। उसमें एक जो मेन अभियुक्त है और सिंगल अभियुक्त है इसका बबलू नसन ऑफ नेक्सू रहने वाला या ओरिजिनली सुरो का है। घटना हुई थी सहावर में, ये वांछित करना चल रहा था इसलिए प्रकरण भी उस समय से पेंडिंग था। इसमें पुलिस की टीम को कामयाबी मिली है इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में, ये 25,000 रुपए का इनाम भी था। यूएफटी लाइव के लिए धीरेन्द्र बेदी की रिपोर्ट।